फेमस पिक्चर है। हां बस वही तुम जो पिक्चर से आए। बोली मारो सर। देखो पे क्यों आपके पास है गुना से आप लोग यहां ब्लॉग वगैरह करते हैं भाई तू बस बोला और कुछ आ गया सही उन्हीं मार रहा है गणपति बाबा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ गणपति बाबा मोरिया गणपति बाबा मोरिया अगले मोरिया और बोलो पूछो ये तुम्हारी मौत है आप सेंटर में बैठो जगू साहब जिंदाबाद बोर्ड पर इरफान भाई आओ उधर बैठो इरफान भाई विनायक चतुर्थी है वो कन्हैया जी का एक नाम है 108 नाम है तो 108 नाम है एक नाम है विनायक सिद्धि विनायक आज उन्हीं का दिन है तो कश्मीर में हम एक तो हवन करते हैं जहाँ जहाँ गणेश मंदिर है स्पेशली जहाँ जहाँ सिद्धि विनायक मंदिर है और हम कश्मीरी पंडित घर में भी पूजा करते हैं हम मीठे मतलब रोटियाँ बनाते हैं उसकी पूजा करते हैं तो शाम को हम कलश वहाँ रखते हैं तो शाम को कलश दरिया में विसर्जन करते हैं और ये हम 90 से कभी बंद नहीं हुआ स्पेशली यहाँ पे दंपत्यार मंदिर में हम हमेशा करते रहते हैं और आज भी किया और लोग आए भी उन्होंने नवीद किया प्रसाद ले लिया भजन कीर्तन में शामिल हुए
और आपस में, क्योंकि एक ही मौका होता है कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी है यहाँ पे, यही मौके मिलते हैं उनको एकजुट होने में और एक 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 दूसरे को समझने में। और आज इसलिए भी ये है कि आज हम अभी श्री गणपति का विसर्जन करने जा रहे हैं इसी व्यस्तता में, क्योंकि बाहर तो अभी गणपति का महोत्सव चलता है, स्पेशली महाराष्ट्र में और बाकी जगहों पे भी होता है। वहाँ 10 दिन रखते हैं, 10वें दिन फिर वो उनका विसर्जन दरिया में या समंदर में करते हैं। लेकिन हम 4 दिन आज ही, क्योंकि ये आज से 3 दिन पहले है, आज 4th दिन है, तो अभी जो समय है हमारे हिसाब से वो अच्छा समय है इसका विसर्जन करने का। और हम यही दुआ करते हैं कि हम सभी को सुख शांति मिले। और कश्मीरी में कहते हैं दाजन दवात रोगन शफा, सब बीमारियों की का इलाज हो, जो 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 दुख में है उनको सुख मिले। तो यही हमारी आज की डेट में यही मैसेज है। देखिए यार, कश्मीरियत मैं नहीं मानता हूँ। कश्मीरियत बेसिकली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट्स नॉट कश्मीरियत, इट्स कशरियत। जब हम कश्मीर, हम कशर है, कशर से ही कश्मीर बन गया या कश्मीर से ही कशर बन गया। तो कश्मीरियत का जो स्लोगन पिछले 75 साल से चल रहा है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है, हम इसको कहते हैं कशरियत। कशरियत पहले भी जिंदा थी और आज भी जिंदा है, लेकिन बीच बीच में जो उथल पुथल होती रही है कश्मीर में 90 से लेके आज तक, तो कहीं ना कहीं पे वो कशरियत भी कभी कभी क्या कहते हैं बिहाइंड द कटिन हो जाता है। लेकिन नॉर्मली इन जैसे त्योहारों में जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं उनको तो वैसे बेसिकली पता भी नहीं होता है कि क्या करना होता है। अगर आपकी ईद है जो, तो मुझे नहीं पता है कि नमाज में क्या पढ़ते हैं उस दिन या क्या करते हैं। इसी तरह जो आज का दिन है तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको नहीं पता है। हाँ, कशरियत है हर एक जगह पे जहाँ जहाँ हम रहते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। तो वो था भी और रहेगा भी। देखिए ये बड़ा ही प्राचीन गणपतियार मंदिर है यहाँ पे, ठीक है, सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पे गणेश चतुर्थी को, जिसको हम कश्मीरी में यहाँ विनायक सोरम बोलते हैं, विनायक चतुर्थी जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे, उसी का आज कल से हम शाम को हवन में बैठे, आज उस हवन की पूर्णाहुति हो गई। और इसके बाद जो रिवायतन यहाँ पे कई सौ साल से जो हमारी प्रथा है, जो हमारी यहाँ रिवायतन जो एक जुलूस की शक्ल में छोटे से ये जो भक्तजन होते हैं, ये गणपति भगवान को यहाँ से लेकर जो हमारे पीछे बड़ियार घाट है यहाँ पे झेलम में, उसको जो है हम उसमें विसर्जन उसको करते हैं, उसके अंदर हम उसको विलीन करते हैं। तो बहुत सालों के बाद आज ये कृपा ऊपर वाले की हुई, क्योंकि पीछे हालात भी कुछ ठीक नहीं रहे, कभी फ्लड था तो कभी उसके बाद एजिटेशन रही, कभी 2019 के बाद हालात ठीक नहीं रहे, तो आज ये एक मौका मिला है। सारे हमारे यहाँ पे जो हमसाया हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, सिख लोग हैं, या यहाँ पे कश्मीरी पंडित समाज जो यहाँ पे, उन्होंने मिल बांट के आज ये एक इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, इस हवन के अंदर शिरकत की। और आज बड़े सालों के बाद जो है इसको बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। हम चाहते हैं, आज सबसे प्रार्थना की गई कि जिस अजाब से हमारा ये जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, इस अजाब से सारे लोगों को इससे आराम मिले। किसी के घर में कोई बीमार है, किसी को किसी और चीज़ की परेशानी है, सब लोगों के लिए यहाँ पे प्रार्थना की गई, वो चाहे किसी भी मज़हब का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी चीज़ को मानता हो। तो अब आप देखेंगे, आप यहीं पे हैं, अभी हम ये प्रोसेशन जो है यहाँ से निकालेंगे, और जो है इसके साथ ही ये प्रोग्राम जो है आज ख़त्म हो जाएगा।